जय माँ काली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माँ काली की कृपा से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज देखिए बड़ा सारा एक तरबूज लेके आई हूँ, तो आज तरबूज से बनाऊँगी मिठाई। तो सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए तरबूज को हमने कट कर लिया है। अब इसके जूस बना लेंगे। जूस बनाने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए तरबूज आधा का मैंने जूस निकाल लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से, और आधा हमने रख दिया है। अब आगे दिखाते हैं। ये देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और एक कटोरी घी हमने सूजी डाल दिया है। अभी इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा घी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं। ये देखिए सूजी हमने भून लिया है और खुशबू भी आने लग गई है। अभी गैस को कम कर देते हैं। अब इसमें जो तरबूज के जूस निकाले थे हमने, अब वो जूस डालेंगे। एक कटोरी हमने सूजी ली थी तो उसी हिसाब से मैंने 3 कटोरी जूस डाली है और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं मीठा के लिए, 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि तरबूज पहले से ही मीठे थे। तो थोड़ा सा चीनी 2 चम्मच के बराबर डाले हमने, छोटे चम्मच के। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए हमने सूजी को पका लिया है। अब थोड़ा सा घी और डाल देंगे 1 चम्मच। तो बना रही हूँ मैं लड्डू, इसलिए थोड़ा सा घी चाहिए। ये देखिए हमने सूजी तो बना लिया है और हमने एक्स्ट्रा ऊपर से कोई कलर नहीं डाला है। इसमें तरबूज का जो जूस है वही डाली है, तो उसके वजह से ये कलर आई है। आपको अगर कलर चाहिए तो रेड कलर, कोई भी कलर डाल सकते हो। और मैं तो कुछ भी नहीं यूज़ किया है, तो इसमें ओरिजिनल जो कलर है तरबूज के सूजी में डालने के बाद आई है, मैंने वही यूज़ किया है बस। आपको चाहिए तो आप रेड फूड कलर डाल सकते हो। अब इसे बंद कर देते हैं। अब इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है और निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब बनाऊंगी मैं लड्डू। तो थोड़ा सा ठंडा हो चुकी है हाथ में लेने लायक, तो इसके बना लेते हैं लड्डू छोटे छोटे अपने मनपसंद। ये देखिए हमने सभी लड्डुओं को बना लिया है तरबूज के। तो अब ऊपर से एक आधी आधी काजू के टुकड़े लगा देते हैं। देखिए तरबूज के लड्डू, कलर भी कितनी अच्छी आई है। आज मैं इससे भोग लगाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी आ रही है।